वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम डीएनए की स्ट्रक्चर को ही दोबारा फिर देखेंगे। इसमें हम केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज बात करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर? पिछले वीडियो में हमने हेलिकल स्ट्रक्चर देखी थी जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, मॉडल। आज हम देखेंगे जो उन्होंने मॉडल दिया था वो केमिकली किस प्रकार से नजर आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड और टर्म्स हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल स्टैंड क्या होते हैं, ठीक है, सेंस और एंटी सेंस स्टैंड क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, वो सारा हम इसमें आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि जो डीएनए है इट इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। जो डीएनए है वो एक सीढ़ी की तरह होता है, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के दो स्टैंड होते हैं और बीच में दूसरी छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं, ठीक है, जिन्होंने दो स्टैंड को पकड़ कर रखा होता है। तो ठीक यहां पर भी ऐसे, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये शुगर फॉस्फेट ये क्या है, बैकबोन है उसका डीएनए का, ये एक स्टैंड है। सिमिलरली ऐसे ये दूसरा स्टैंड है, शुगर फॉस्फेट। तो जो शुगर फॉस्फेट है ये क्या करती है, ये बैकबोन फॉर्म करती है डीएनए की, बैकबोन। क्लियर? अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है, जरा इसको हम देखें कि जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ नाइट्रिल बेस जुड़ेगा। याद रखना ये बात कि जो नाइट्रिल बेस है वो शुगर के कार्बन नंबर 1 से ज्वाइन करेगा, ठीक है। जैसे कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5, सिंगल यहां पर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहां पर कार्बन नंबर 1 के साथ इधर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी जो शुगर मॉलिक्यूल है वो इन्वर्टेड है, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? नाइट्रोजन बेस हमने देखे थे दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन, ठीक है जी। तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेंगे, ये आपने याद रखना है। क्लियर? उसके बाद अगली चीज जो आपने देखनी यहां पर, ये जो नाइट्रोजन बेस है एडिनिन और थाइमिन, इनके बीच में ये दो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो दो स्टैंड को पकड़ के रखते हैं। क्लियर? अब यहां पर हम अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो जो एडिनिन होगा या गुआनिन होगा उसका नाइट्रोजन नंबर नाइन इसके साथ जुड़ेगा, और यहां पर अगर पिरिमिडिन होगा तो उसका जो नाइट्रोजन नंबर वन वो इसके साथ ज्वाइन करेगा। ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। अब कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं डीएनए वो भी हम देखेंगे। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, एन सी वाले के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था, वहां दो ग्लूकोज रेसिड्यू के बीच में जब जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो यहां पर भी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है। क्लियर? तो यहां पर पता चल गया कि शुगर का कार्बन नंबर 1 ज्वाइन करेगा नाइट्रोजन बेस के साथ, और अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरीन है तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9, जैसे ये वाला, दिस वन इज नाइट्रोजन नंबर 9, ये इसके साथ जुड़ेगा, और अगर पिरिमिडिन है तो ये नाइट्रोजन नंबर 1 इसको लेंगे तो ये जुड़ेगा। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो फॉस्फेट रेसिड्यू है ये देखिए, फॉस्फेट ग्रुप है, एक तरफ ये शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा, और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट सक्सेसिव शुगर मॉलिक्यूल है उसके कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ेगा। क्लियर? ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है एक शुगर मॉलिक्यूल के तीसरे कार्बन और एडजेसेंट शुगर के पांचवें कार्बन के साथ। अब ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर नाम से ही पता चल रहा है कि जो फॉस्फेट है ये दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फॉस्फो मींस फॉस्फेट, डाई मींस दो, एस्टर मींस एस्टर बॉन्ड। एस्टर और ईथर पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में। क्लियर? तो ये एस्टर बॉन्ड की, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली इस बॉन्ड के थ्रू। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ता है। अब जैसे नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसे अगर नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, तो जैसे ये रेसिड्यू है पूरा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, ठीक है, फॉस्फेट बीच में लिंक कर रहा है।
तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। अब आप लोग यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे ये हमने देखा पहले एडमिन और थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, साइटोसिन और गोनिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और सिमिलरली थाइमिन और एडमिन एक ही बात है, एडमिन हो या थाइमिन हो दोनों में बॉन्ड दो ही बनेंगे, और साइटोसिन और गोनिन हो तो इसमें बॉन्ड तीन बनेंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। क्लियर, समझ आई बात। तो अब उसके बाद हम देखेंगे पोलैरिटी के बारे में, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं जैसे एक चेन है ये, दूसरा स्टैंड ये है। अब इस स्टैंड में ये इसका 3' एंड है और ये इसका 5' एंड है, और यहां पर ये 5' एंड है और ये इसका 3' एंड। ये बहुत बार आएगा आपको। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टैंड है ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये 3-5' है और ये 3-5' इधर, मतलब इधर 3' है तो इसके दूसरी तरफ 5' होगा, इधर 3' है तो इधर अपोजिट 5' है। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये 3' और 5' क्या है, ये पिछले वीडियो में मैंने किया था लेकिन यहां पर इलैबोरेट करके देखेंगे हम। अब देखेंगे आप ध्यान से, ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसका जो कार्बन नंबर 5 है, इस तरफ 5 के ऊपर जो OH ग्रुप है वो फ्री है, OH रेडिकल इज फ्री, ठीक है। तो इस तरफ अगर इलॉन्गेशन होगी तो यहां पर आगे OH ये रेडी है 5' एंड, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो इस तरफ ये जो कार्बन नंबर 3 है, 1, 2, 3, ये कार्बन नंबर 3 है, इस कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक OH ग्रुप जो फ्री है, तो ये इस स्टैंड का 3' एंड होगा और ये 5', मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप फ्री होगा वो उसका वही एंड होगा। दूसरी तरफ देखेंगे तो इसकी ओरिएंटेशन जो है, बार्सन एंड क्रिक ने बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ है ये मॉडल, तो इस दूसरे स्टैंड में जो ओरिएंटेशन है शुगर की वो इन्वर्ट कर दी उन्होंने। तो इस तरफ ये जो कार्बन नंबर है, यहां पर जो OH ग्रुप है ये फ्री है, तो ये 3' एंड हुआ, और इस तरफ आप देखेंगे यहां पर ये कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर OH ग्रुप फ्री है यहां पर आगे, तो ये 5' ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट इसमें जो उनकी पोलैरिटी होती है वो ऑपोजिट रन करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर, क्या बोला मैंने, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे इसी ब्रांड। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम डीएनए से रिलेटेड टर्म डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होते हैं। अब डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, अब इन दोनों में से एक स्ट्रैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। दो स्ट्रैंड में से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जेनेटिक कोड ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो एक ही स्ट्रैंड की होती है, तो उस स्टैंड को हम बोलते हैं सेंस स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं, गलत हो गया, ऑपोजिट। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का जो वीडियो है वो है आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डीएनए से रिलेटेड टर्म के बारे में। तो आज हम करेंगे बात सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होते हैं डीएनए में। अब डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, इन दो में से एक ही स्टैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मींस जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो दो में से एक स्टैंड की ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो वही आगे जाके फिर जेनेटिक कोड बनता है। क्लियर, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वहां पर जाके डिटेल में आपको क्लियर होगा, लेकिन यहां पर आपने ये समझना है कि सेंस और एंटी सेंस स्टैंड क्या होते हैं। तो ऐसा स्टैंड जो जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड, क्या, एंटी सेंस स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। इसकी जो पोलैरिटी होती है वो 3-5' होती है, याद रखना है आपने। डीएनए का स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3-5' होगी, क्लियर, वो स्टैंड कहलाता है एंटीसेंस और टेम्पलेट। यहां टेम्पलेट का मतलब क्या है, टेम्पलेट का मतलब है कि वो बेस का काम करता है, ठीक है। अब जैसे 3-5' ये स्टैंड है, जैसे हम देखेंगे 3-5'
क्लियर। अब वैसे तो अगर उसकी पोलैरिटी देखें तो उस तरफ से 3-5 एंड हुआ है। अगर टेम्पलेट स्टैंड जब काम करता है तो जिसका एंड, जैसे अगर 3-N को होगा तो हम उसको टेम्पलेट मानेंगे, ठीक है। पोलैरिटी देखनी है हमने कि किस स्टैंड के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रही है, टेम्पलेट का जो काम कर रहा है दोनों में से, क्लियर। तो 3-N 2-5 है। अब चूंकि ये टेम्पलेट का काम करता है, टेम्पलेट का मतलब किसके ऊपर जो mRNA बनेगा वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर बनेगा। अब जैसे सपोज इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसका ये ए जी सी सी ए सी, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, जनरेटिंग बेसिस की, ठीक है, कुछ भी समझो न्यूक्लियोटाइड समझ लो टोटल। तो अब इसके अनुसार mRNA बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हमें मालूम है कि जो एडिनिन के साथ क्या पेयर करता है, थायमिन। लेकिन चूंकि ये mRNA है, ये RNA बनेगा, तो इसमें थायमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल। तो यहां इसके अपोजिट होगा यूरासिल, जी के अपोजिट होगा सी, सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट यू और सी के अपोजिट जी। तो जो mRNA होगा उसकी सीक्वेंस ये होगी, तो ये जेनेटिक कोड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, क्लियर। तो जिस डीएनए के जिस स्टैंड के ऊपर ये सीक्वेंस बनती है, जहां ये सिंथेसिस होती है, उस स्टैंड को हम बोलते हैं एंटीसेंस स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड। अब जो दूसरा स्टैंड है इसका, इसका मतलब अब अगर इसके ऊपर टेम्पलेट स्टैंड का काम करता है तो इट डजंट मीन कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका भी रोल है, ये इसको कवर करके रखता है। तो इस स्टैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्टैंड। स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के जो ऑपोजिट स्टैंड होता है, जिसकी पोलैरिटी 5-3 है, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्टैंड। क्यों बोलेंगे कोडिंग स्टैंड, ध्यान से सुनो आप। अब जैसे ये देखते हैं, अब जो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर mRNA बना है, इसकी सीक्वेंस को अगर हम देखें, पहले हम जैसे ये ड्रा करेंगे, ये डीएनए है 3-2 5-, ये है 5-2 3-, इसमें हमने देखा अभी ए जी सी सी ए सी, ये सीक्वेंस है इसकी। अब जो ए स्टैंड है टी सी जी जी टी जी, ठीक है, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है। अब जो mRNA बना है, ये जो ये mRNA बना है, इसकी जो सीक्वेंस है वो इस जैसी है पूरी, सिर्फ टी की जगह यू है, क्योंकि वो आरएनए और ये डीएनए। अब चूंकि जो नया आरएनए बना है mRNA, उसकी सीक्वेंस जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके अपोजिट स्टैंड जो उसके साथ मैच करती है, इसलिए उस स्टैंड को, इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। मतलब जो इसमें कोड होंगे वो ही आरएनए में बनेंगे, क्लियर बात। ये समझो कि ये एंटीसेंस स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड, इसका जो दूसरा स्टैंड होता है इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं या सेंस स्टैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, क्योंकि जो नए कोड बनेंगे, जो नया mRNA बनेगा टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, उसकी सीक्वेंस इस स्टैंड जैसी होगी पूरी, क्योंकि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के अनुसार, इसलिए इस स्टैंड को हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, क्लियर। तो कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड या सेंस स्टैंड और एंटीसेंस स्टैंड एक ही बात है।